राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह भी श्रमदान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सीधा लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं और स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और झाड़ू लगाते हुए सड़क पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद। लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के मद्देनजर श्रमदान करते हुए नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली में श्रमदान किया। उसके साथ ही अब गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर झाड़ू लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। वहीं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में स्पीकर ओम बिरला ने श्रमदान दिया। पीएम मोदी के आह्वान पर ये सफाई के लिए श्रमदान दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सड़क पर झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान दिया और इसके साथ ही दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडे वालान इलाके में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। तो आज सुबह से ही लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गजों की इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में झाड़ू लगाई सड़क पर और भी बीजेपी के तमाम नेता राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान देते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अहमदाबाद में हैं और सड़क पर झाड़ू लगाते हुए तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की नजर आई। स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर बीजेपी के जो नेता हैं वो हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर अहमदाबाद की, वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। दोनों तस्वीरों में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं और सड़क पर झाड़ू लगाते हुए सफाई अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो देश का सबसे बड़ा अभियान, जो सबसे पहला अभियान इस सरकार का था, वो स्वच्छता अभियान ही था। और तब से लेकर अब तक कई ऐसे सिलसिले आए जब ये तमाम नेता हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर साफ सफाई करते हुए नजर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है स्वच्छता अभियान की सफलता। क्योंकि देश स्वच्छ होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान का आगाज किया था और अब हर साल मुख्य तौर पर जब गांधी जयंती होती है, क्योंकि स्वच्छता अभियान की शुरुआत गांधी जयंती के पर्व पर ही हुई थी, महात्मा गांधी को याद करते हुए, बापू को याद करते हुए इस अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और हर साल जब गांधी जयंती होती है तो इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को लेकर आह्वान किया और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अहमदाबाद में इस वक्त अमित शाह हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो भी गृह मंत्री से मिलते हुए हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में, उन्होंने लगाई झाड़ू। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए कोटा की है, स्पीकर ओम बिरला ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्वच्छता अभियान के तहत सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। तो आज बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं इसी तरीके से सड़कों पर आज झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पीएम के आह्वान पर बीजेपी के नेता अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों पर साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा दिल्ली के झंडे वालान पहुंचे, वहां पर उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं स्पीकर ओम बिरला देखिए कोटा में आज सड़क पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए। वहीं आप एक और तस्वीर देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं और स्वच्छता अभियान में गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। तो दिल्ली में जेपी नड्डा, अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह, कोटा बूंदी में ओम बिरला, पटना में रविशंकर प्रसाद, ये तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश स्वच्छ रहे और हर किसी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने देश की जमीन को साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है।
तो इसी का संदेश और इसी जागरूकता के लिए इन दिनों में ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।